तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 फरवरी से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल नीट यूजी एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट थी 9th ऑफ मार्च, आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की। बट कई सारे बच्चे जो है फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते थे, लाइक उनके OTP नहीं आ पा रहे थे एंड इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो बच्चे फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके जो है फॉर्म फिल नहीं हो पाए, रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा पाए। सो NTA ने जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है जो भी आपकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करवाने की उसे बढ़ा करके, जैसे आपको पता है कि आपकी 9 मार्च जो है वो लास्ट डेट थी नीट रजिस्ट्रेशन की, जिसे बढ़ाकर NTA ने जो है अब 16 मार्च कर दिया है कि जो भी बच्चे अपना फॉर्म फिल नहीं करवा पाए थे वो जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एंड उसके अलावा एग्ज़ाम, आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम जो है 5 मई को आपका एग्ज़ाम है 2024 में। सो जो भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे टाइमिंग की वजह से, OTP के कारण, जिस भी रीज़न के कारण अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, वो बच्चों को एक और मौका दिया है NTA ने कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सके। तो 16 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी बच्चे नहीं करा पाए थे रजिस्ट्रेशन वो जाके अपना जो है NTA की साइट पर जाके अपना नीट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।